जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों आज 3 दिन हो गया, मैं 20 तारीख को वापस आ गया था दिल्ली से, अभी फिर आऊंगा। दोस्तों जो कुछ मैं बात करना चाहता हूं वो यूट्यूब से कर सकता हूं हम, इसलिए मतलब कुछ लोगों ने पूछा आप स्टेज से क्यों नहीं बात किया, क्योंकि स्टेज उन लोगों के लिए है जो मतलब हमसे दूर रहते हैं, वो अपने अपना पहचान देना चाहते हैं और स्टेज पे बात करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए यूट्यूब बहुत है, क्योंकि जो मैं बात करना चाहता हूँ वो सही ढंग से और सही आवाज में लोगों तक पहुंचता है। अगर हम स्टेज से बात करेंगे तो लोगों तक वो आवाज सही नहीं पहुंचता। दोस्तों आज मैंने एक शख्स का वीडियो देखा, वो ऐसे जो बात कर रहा कि सब कुछ उसी को आता है और किसी को नहीं है। वो ऑफिसर का पिल्ला है टट्टू, चमचागिरी करने वाला है, और वो सिविलियन के पीछे हमारे कितने लोग भाग रहे हैं, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। कोई कहता है कि मेरा ईपीपीओ नहीं मिला, मेरा फलाना ठिकाना, अरे अगर तुम्हें तुम्हारा ईपीपीओ नहीं मिला था तुम्हारे वहां पे कोई संगठन नहीं है, तुम्हारा मतलब कोई और रास्ता नहीं है उसके बारे में पता करने का, तुम्हारा रिकॉर्ड है सब कुछ है, ये सिविलियन थोड़ी आपको मतलब ईपीपीओ दिलाएगा। अरे यहां तक कि सुबेदार मेजर क्लर्क कहता है कि मैं सुबेदार मेजर क्लर्क हूं, 30 साल का नौकरी 32 साल का नौकरी मेरा जो है ये नहीं मिला, मुझे कितना मिलेगा। हम तो पहले से बता रहे हैं सुबेदार मेजर को कुछ नहीं मिलेगा पुराने, अब ये सिविलियन से पूछ रहा और सिविलियन भी इसको जवाब दे रहा। आर्मी कमीशन ऑफिसर्स पूछ रहे हैं वॉर ओपी 2 में हमें कुछ नहीं मिला, क्या बात है, क्या करना चाहिए, डूब के मरो, क्या करना चाहिए, डूब के मरो, मैं और गाली नहीं दे सकता हूं। अरे वन रैंक वन पेंशन और बाकी मान सम्मान के लिए और जो हमारे जो शहीद परिवारों के लिए और जो वीर नारियों के लिए जंतर मंतर पे इतने लोग बैठे हैं, उनके वीडियो देखने वाले की संख्या कितनी है, 2,000, 4,000, 5,000, और ऐसे फालतू वीडियो देखने वाला जो बता रहा है कि ऑफिसर्स और जवान एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, अरे ये नालायक कौन है हमें बताने वाला, हमें समझाने वाला, और इसने जैसे वीडियो डाला और वीडियो में क्या बोला कि जो हेडिंग ऐसा दे रहा है ना, जंतर मंतर से क्या मिला, जंतर मंतर से क्या होगा, कितना बढ़ेगा, क्या फायदा होगा जंतर मंतर, ऐसे ऐसे जो शब्द डाला है ना, अरे हमारे लोग जो है पागल कुत्ते जैसे उस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे शर्म आता है ऐसे शब्द यूज करने से, खुद को नहीं पता कि जंतर मंतर में आके देखो क्या हो रहा है, और इसका वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कर रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं, और साला ये कांग्रेस कमीशन ऑफिसर है वो कहता है कि ये जैसे वो जवान जो है कभी नहीं सुधरेगा। अभी हमें पता चला कि तुम कैसे आनरी रैंक तुमने कैसे लिया। दोस्तों मुझे है ना, मैं कभी इतना गुस्सा नहीं, इतनी जल्दी मेरे को गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज पता नहीं क्यों आया कि वहां पे हम इतना मेहनत करके लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे, और ये सिविलियन आके ये वीडियो बना रहा है कि बगैर आपसे आंदोलन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप थोड़ा मत आपसे इसके साथ ऑफिसर्स को साथ लेके झगड़ा मतलब ये आंदोलन करो, और ऊपर से कहता है कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उन्होंने जो हिसाब किताब जो दिया है वो गलत, ऐसे ऐसे आप हिसाब किताब दोगे
तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मतलब पहले सोचो कि हमें ऐसे लोगों के साथ देना या नहीं देना। ये एक सिविलियन बता रहा, आपको एक सिविलियन समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप सब साथ मिलकर काम करो। जिसको मान सम्मान चाहिए वो हमारे साथ बैठेगा। दोस्तों हमारे जो मांग सिर्फ ऑफिसर्स का पेंशन नहीं, हमारे मांग जो है हम ऑफिसर्स की पेंशन नहीं मांग, सॉरी पे नहीं मांग रहे, ऑफिसर्स का पेंशन नहीं मांग रहे। साबका सैनिक संघर्ष कमिटी का डिमांड क्या है, जो 2006 से लेके 2014 तक जो एक जवान और एक ऑफिसर का जो फर्क था, एकदम 2014 के बाद कैसे बढ़ा भाई। लोगों को समझाने के लिए हम टेबल नहीं बनाते हैं, टेबल नहीं डालते हैं, पीछे टेबल लिखना पकना। 2016 से पहले इस बंदे का वीडियो उठा के देखो, एक भी वीडियो नहीं है गुआरोपी का या जवानों के बारे में। अचानक आ गया बीच में और हवलदार 40,000, जैसी वो 50,000। बस हमारे लोग जो है लालची है, लालची है। अरे हमें इतना मिलेगा, हमें इतना मिलेगा। अरे सोचो समझो, साबका सैनिक का क्या मांग है? वन रैंक वन पेंशन में हक उन लोगों का है जो कम उम्र में जो रिटायर किया जाता है, जो कम उम्र में घर जाते हैं उन्हीं के लिए। और ऑफिसर, कोई ऑफिसर अगर 20 साल की नौकरी करके अगर ऑफिसर जाता है उनको दे दो। कोई सारे ऑफिसर जो है 54-55 साल की उम्र के बाद ही बाहर जाते हैं, वो भी मतलब कोई वैकेंसी नहीं है या एग्जाम पास नहीं किया जाते हैं, फिर भी वो घर नहीं जाते हैं। आपको ये भी बात बता रहा हूं मैं, आपको ये भी बात बता रहा हूं कि बहुत सारे अफसर जो है मतलब रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी कम रैंक मतलब 2 रैंक कम की पेंशन में काम करते हैं। आपको मालूम है किसी तरह वो 60 साल तक वही मतलब टाइम निकाल लेते हैं, रैंक वही होगा लेकिन सैलरी कम होगा, फिर भी करते हैं काम। 58 साल की उम्र में या 56 साल की उम्र में जब जो अफसर बाहर जाता है, बाहर जाते ही उसको कहीं सीएसडी में नौकरी या कहीं मतलब ईसीएचएस में नौकरी या बीसीआर, क्या क्या सुविधा उनको नहीं दिया गया। जवानों को तो ये नहीं मिला। होशियारी कमेटी का हवाले देते हुए सतबीर सिंह ने जो ड्रामा रचाया वहां पे, होशियार कमेटी ने क्या बताया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मतलब क्यों नहीं दिया गया था, उसका भी वजह था ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों ने भी तो मांगा था वो आरोपी, वो भी तो वही कठिनाई वो भी फेस कर रहा है, जवानों के साथ कंधे से कंधे मिला के वो भी बॉर्डर का रक्षा कर रहा है, लेकिन उनको क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो 60 साल तक नौकरी करता है या 58 साल तक नौकरी करता है, इसलिए उनको नहीं दिया गया था। सिर्फ आर्मी वालों को क्यों दिया है, क्योंकि ये बेचारे जो है कम उम्र में रिटायर किया जाते हैं, कलर सर्विस करके ये घर आ जाते हैं। ये जो है ना पीएमआर के शब्द यूज करके अब जो लोगों के साथ जो अभी किया ना अन्याय, कोई कोई सिपाही या हवलदार पागल नहीं है। 50-60 हजार जो हर महीने जो है 60,000 से ऊपर कमाने वाला आदमी घर क्यों आता है? घर इसलिए आता है कि 10 आदमी का जो काम है वो 6 आदमी करता है, बाकी 4 आदमी किधर है भैया? वो 4 आदमी गए किसी के घर में कपड़े धोने के लिए, किसी अफसर के घर में जूते पॉलिश करने के लिए, या किसी अफसर की जो है सब्जी लाने के लिए। मेंटल टॉर्चर, और जो है ना इनको जो मेंटली परेशान किया जाता है इसीलिए तो वो घर जाता है। उनको मालूम है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरा पेंशन कम मिलेगा,
लेकिन फिर भी मैं घर पे थोड़ा दिन तो मैं शांति से रहूंगा। हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब कहते हैं ना, जवानों की जो एवरेज एज जो है 57 इयर्स में, जवान एवरेज एज में भगवान को प्यारा हो जाता है। क्यों होते हैं भैया भगवान को प्यारा? ये इसी टेंशन की वजह से। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, जो ऐसे 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 सिटी में जो रहते हैं ना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, जहां मतलब मैक्सिमम जो है प्राइवेट कंपनीज में और आईटी इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं ना, उनमें देखो आप 40 साल के उम्र में, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक में उनका मौत हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखा है, 42 साल की उम्र में एक साल के अंदर एक ही कंपनी में 10 लोगों का मृत्यु हुआ। और वो कितना कमाते थे? 30 लाख हर साल में, साल में 30 लाख कमाते थे, और अच्छा खासा जो है कपड़े सारे सुविधा थे। लेकिन क्यों हुआ उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ? जो ना दारू पीता, ना शराब पी, दारू नहीं पीता, सिगरेट धूम्रपान कुछ नहीं है, फिर भी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आया? टेंशन, जो मतलब कहते हैं ना वर्कलोड जिसको बोलते हैं, इसी की वजह से कम उम्र में उनका मृत्यु हो, उनको जो हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छे खासा इकट्ठा भर्ती होते समय हमारे जवान आता है और 30-35 साल में उसका उसको मतलब बीपी ब्लड प्रेशर, किसी को लो बीपी, किसी को हाई बीपी, हाइपरटेंशन। क्यों? टेंशन, वर्कलोड। इसी की वजह से तो वो मतलब घर जाने के लिए कोशिश करता है। कलर सर्विस 17 साल करना है, सिपाही तो कर लिया उसने, उसको पीएमआर में क्यों काउंट कर रहे हो? दोस्तों जब भी इनको कुछ सुविधा चाहिए, उस टाइम ये सारी बात करते हैं ऑफिसर्स। आप लोगों को मालूम होगा 7th पे कमीशन ने जो है डिसेबिलिटी पेंशन जो है सिपाही नायक हवलदारों तीनों रैंक का जो है 100% डिसेबिलिटी 12,000 स्लैब, और जेसीओ ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के लिए 17,000 और ऑफिसर्स के लिए 27,000। ये स्लैब सिस्टम था। एक हैदराबाद का ब्रिगेडियर और राजस्थान का ब्रिगेडियर, दिल्ली का ब्रिगेडियर, ये सब एक साथ हो गए थे, सब एक दूसरे को जो है ना गालियां देते थे पहले, लेकिन इस मामले में सब इकट्ठे हो गए। कहते कि एक सुबेदार मेजर को कुछ नहीं मिल रहा, ये डिसेबिलिटी में जो है लोगों को मार रहे हैं, गवर्नमेंट धोखा कर रहे हैं, 7th पे कमीशन गलत। क्या गलत है भैया? हाँ, सुबेदार सिर्फ एक सुबेदार मेजर रैंक जो है उनको 17,000 रुपए जो दिया है ना, नुकसान उनको हो रहा था, कितना तक हो रहा था नुकसान ये देखना ना, कितने सुबेदार मेजर जो है डिसेबिलिटी में गया है, सुबेदार या सुबेदार मेजर डिसेबिलिटी में कितना गया? आज के हिसाब से भी एक सुबेदार का जो है कोई नुकसान, मतलब सुबेदार और सुबेदार मेजर का 60% स्लैब सिस्टम में उनको फायदा है, लेकिन सुबेदार नायब सुबेदार को क्या मिला है? जहां 17,000 100% डिसेबिलिटी है, और ये अभी परसेंटेज के हिसाब से उसका कितना बन गया? 15,000, 2,000 का नुकसान नहीं हुआ। हवलदार को ठीक है ना, ना मतलब ना नुकसान ना नफा, 60% की हिसाब हो या स्लैब सिस्टम। एक नायक का जो है जिसको 12,000 रुपए मिलना है, उसको कितना मिल रहा है? 10,800। मतलब सॉरी 11,000 रुपए एक सुबेदार एक नायक को मिल रहा है, 1,000 रुपए का नुकसान हुआ ना उसको। एक सिपाही का कितना नुकसान हुआ? उसको भी मतलब 1,200 का नुकसान। सबसे मतलब दुख की बात यह है, जो सिपाही इनवैलिड आउट होके 50% या 100% इनवैलिड होके जो घर भेजा जाता है 4 साल 5 साल के अंदर,
उसको कितना मिल रहा है, पेंशन है 14,000 और उसका डिसेबिलिटी है 100% डिसेबिलिटी 8,400, यानी कि 14 और 8 22,000 रुपए जो है डिसेबिलिटी मिला के। अगर स्लैब सिस्टम 6,000 होता, 12,000 होता तो इसको 12,000 मिलता, तो साढ़े मतलब तकरीबन 3,800 रुपए उसको नुकसान हुआ। इसके बारे में कोई अफसर बात नहीं किया, कोई सुबेदार मेजर बात नहीं किया, कोई सुबेदार बात नहीं किया। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बात कर रहा, जो अफसर के जो जितने भी है ना चमचेगिरी करने वाले हैं, वो उसका जो है ना वीडियो देखने के बाद यस यू आर 100% राइट, ऐसे होना चाहिए। आप जो है जीनियस, आप महान, लड़ी माई फुट। नुकसान किसको हुआ? हम ऑफिसर्स के कभी ऑफिसर्स अपना पे ले रहा है उसकी मतलब रैंक के हिसाब से, लेकिन रैंक के हिसाब से जो ऑफिसर पेमेंट लेता है वार ओपी में ऑफिसर्स को इतने 30%, 32%, 28% की बढ़ोतरी कैसे हुआ? हमारा तो डिमांड वही है, वार ओपी जेसीओ जवान का जो वार ओपी है वो जो ऑफिसर्स कहा गया, आप तो यही बात कर रहे हैं ना। एक नायब सूबेदार को 1% भी नहीं मिला। ये सिविलियन यूट्यूबर के वो है ना अपना रोटी सेकना चाहता है यहां पे आप लोगों को सी बना के, और सी बनने के लिए आप लोग रोज देखो उसका व्यू देखो 25,000, 30,000, 40,000। मैं जलता नहीं किसी से, क्योंकि कोई मेरा वीडियो देखे या ना देखे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं। मेरा सब्सक्राइबर 4,000 भी नहीं है, 4,000 सब्सक्राइबर मेरा नहीं है, और उसका उसका सब्सक्राइबर है 1,40,000 लोग, और 1,40,000 उसमें जो है कम से कम जो है 1,20,000 जो है जैसे वो जवान है, क्योंकि जैसे वो जवान उन्हीं के ऊपर डिपेंड मतलब भरोसा करेगा, उन्हीं की बात मानेगा जो मतलब आपको गुमराह करने वाला है। हम गुमराह नहीं करते आप लोगों को, आप लोगों को कड़वी सच्चाई बताते हैं, इसलिए आप मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। वो कह रहा था ना जगमाल सिंह सेठ या कोई कटमाल सिंह ऐसे कुछ नाम बता रहा था, उसको जो है हमने इतना दिलाया। मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, अगर सर्कुलर नंबर 608 के साथ से सीधा एक ही लाइन में जो बता रहा है ना वो अगर किसी को भी मिला तो मैं पूरा जिंदगी में पेंशन नहीं लूंगा, साले कोर्ट में डाल दूंगा पीसीडी अलाहाबाद को, एएफटी में नहीं सिविल कोर्ट में लगा दूंगा उनको। कैसे दे सकते हो ऐसे आप लोगों को सी बना के जो है सब्सक्राइब, उसने अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाया। हर दिन मैं देखता हूं कुछ ना कुछ ऐसे बीच में टांग अड़ाता है। अरे वो होता कौन है जैसे वो जवान का मतलब यूनिटी के बारे में बात करने वाला? मैं उनको दोष उनको मतलब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोषी हम है, हम अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, किसी और को नहीं। दोस्तों ये जो है ना आज की जो है ना उसका वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी उसका वीडियो देखेगा ना, वीडियो देखो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आप महान है। एक कहता है कि जंतर मंतर की ज्ञान कब सुधरेगा, जंतर मंतर में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे मिले या ना मिले हम तो फल के बारे में सोचते नहीं है, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी बोल सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, भले हमारे जो कैलकुलेशन में ऊपर नीचे है तो ठीक है कोई बात नहीं। मेजर जनरल सतबीर सिंह जब कोर्ट को ये बता रहा था कि एक सिपाही जो है विडो को जो है 5,000 रुपए कम मिल रहा है, कहां गया था ये सिविलियन? मेजर जनरल सतबीर सिंह को बोलना था आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, आप पागल है, क्यों नहीं बोला? ये कहता है कि इलिटरेट्स है। कौन इलिटरेट्स? तू पढ़ा लिखा आदमी है, तेरे को अरियल बोलना नहीं आता है, एरियस तेरे को ये भी नहीं आता बोलना, और तुम जैसे वो जवान को बोलते कि अनपढ़ इलिटरेट। बोला ना सतबीर सिंह साहब को कि आपको हिसाब किताब नहीं आता, बोला ना ग्रुप कैप्टन गांधी को, या बोला विंग कमांडर नैब को आप लोगों को हिसाब किताब नहीं आता,
एक सिपाही को इतना कम नहीं मिल रहा सिवा कहता है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों को हिसाब किताब नहीं आता। दोस्तों इसका जो है ना वीडियो देखने के बाद मैंने इंग्लिश में भी डाला था यही चीज, लेकिन हिंदी में मैंने थोड़ा अपना मतलब अलग लैंग्वेज में इसलिए बात किया था कि हमारे लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए और आप लोग जो है सोचना आपका काम है, हमारा काम है, हमारा काम है एक साथ रहने का, एक साथ जुट एक मतलब एक साथ मिल के लड़ना और अपने हक के लिए जो है जहां तक हो सके हम लड़ेंगे। हार या जीत हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। अगर बगैर कोशिश करके अगर कोई लड़ेगा वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे अपने आखिरी दम तक। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।